इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास पे हम ऐसे वर्ड या शब्दों के बारे में जानेंगे जिसके आगे आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। निम्नलिखित दशाओं में हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। पहला कंडीशन है किसी व्यक्ति के नाम के पहले, फॉर एग्जाम्पल समीर, इसके आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आप सोचेंगे ऐसा नाम जिसके आगे पद नाम जुड़ा हो तो क्या करेंगे। इट मीन्स यदि किसी व्यक्ति का नाम उसके पद नाम से जुड़ा हो तब भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी एक व्यक्ति का नाम है परंतु इसके नाम के आगे एक पद नाम प्रेसिडेंट जुड़ा हुआ है, तब भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन है सब्जेक्ट के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनके आगे भी दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी भाषा या लैंग्वेज के नाम के आगे भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसके आगे हम ए एंड दा का प्रयोग नहीं करते हैं। पंजाबी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, इसके आगे भी ए एंड दा नहीं लगाते हैं। हिंदी एक भाषा है, इसके आगे भी ए एंड दा का प्रयोग नहीं करते हैं। धातुओं के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आयरन, कॉपर, ये धातु के नाम है, इसके आगे भी ए एंड दा का यूज नहीं करते हैं। बीमारियों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मलेरिया, फीवर, इसके आगे भी दा ए एंड दा का प्रयोग नहीं करते हैं। त्योहारों के नाम के पहले भी दिवाली, ईद, इनके आगे भी हम कोई भी ए एंड दा आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। भोजन काल के नाम के पहले जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सफर, ब्रंच, इनके आगे भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच से मिलकर बना होता है। जैसा कि कभी हॉलीडे या संडे होता है तो व्यक्ति ब्रेकफास्ट का और लंच का दोनों का खाना एक साथ खा लेता है, तब हम उसे ब्रंच कहते हैं। और सफर का मतलब ये है कि जब भी भूख लगे तो बीच बीच में खाते रहना, उसको सफर कहते हैं। खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ के नाम के आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। पिज्जा जो खाद्य पदार्थ है, इसके आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। मिल्क पेय पदार्थ, ड्रिंक है जो कि पीने योग्य चीज है, लस्सी, ये पेय पदार्थ है, इसके आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं।